आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा या रुद्र गीत जिसे प्रायः जाना जाता है पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से पिछले लगभग 10 श्लोकों में भगवान शिवजी ने भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की उपासना की, स्तवन किया, और ये स्तवन प्रमुखतः गौण नामों से था। मुख्य नाम और गौण नाम, और उनके क्या अभिप्राय होते हैं और वो क्या हमें गंतव्य दे सकते हैं, इसके बारे में हमने कल विस्तृत रूप से चर्चा की। और अंत में हमने देखा श्लोक क्रमांक 44 में, जहां पर भगवान शिव कहते हैं कि दर्शनम नो दिदृक्षाणाम देही भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्व इंद्रिय गुण अंजनम। सो दैट फॉर्म विथ विच योर डिवोटीज वर्शिप यू एंड विच इज वेरी डियर टू ऑल द सेंसेस एंड ऑल द गुणास ऑफ अ डिवोटी, ओ माय डियर लॉर्ड प्लीज शो दैट फॉर्म टू मी, कृपया मुझे उस रूप का दर्शन कराइए। और ये रूप कैसा है इसकी वर्णिति आज के श्लोकों में हम देखेंगे, जहां भगवान शिवजी स्वयं भगवान विष्णु के रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञान तिमिरं भस्य ज्ञानान्यन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिवजी भगवान विष्णु की सुंदरता का वर्णन कैसे कर रहे हैं श्लोक क्रमांक 45 से हम देखते हैं। स्निग्ध प्रावृद्ध घन श्यामं सर्व सौंदर्य संग्रहं चार्वायत चतुर्बाहु सुजित रुचि नराननं पद्मकोश पलाशाक्षं सुंदर भ्रुसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलस्य समकरण विभूषणम्। सो हाउ इज दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान का वो रूप कैसा है। स्निग्ध प्रावृत घन, स्निग्ध यानी बहुत ही घना गंभीर, प्रावृत यानी वर्षा ऋतु,
बहुत ही घना वर्षा ऋतु का बादल जैसे होता है, उस रूप के हैं भगवान कृष्ण। इस रूप को या इस रंग को भौतिकता से हमें मेल जोल नहीं लगाना चाहिए। भगवान का रंग आध्यात्मिक है, लेकिन अगर उसकी कोई भौतिक कल्पना दी जा सकती है, इसे कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय यानी जब एक बच्चा अपनी माँ से, अपनी माँ के वो गोदी में रहता है और उसने पहले कभी चंद्रमा को नहीं देखा, तो माँ जब उसे चंद्रमा दिखाती है तो कैसे बताती है, वो जो सफेद गोला है, जो वो दो एक पेड़ की दो ब्रांचेस टहनियों के बीच में चंद्र को ला करके माँ कहती है, वो दो टहनियों के बीच में है ना जो गोला वहां व्हाइट वाला, वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा एक्चुअली उन टहनियों के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, चंद्रमा का अस्तित्व उन दो टहनियों से बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये बच्चा कुछ भी नहीं जानता चंद्रमा के बारे में, तो एक रेफरेंस के माध्यम से वो जो टहनियों के बीच में दिख रहा है वो है चंद्रमा। उसी प्रकार से स्निग्ध प्रावृत, स्निग्ध घनघोर या चमकीला, घनघोर चमकीला वर्षा ऋतु का जो बादल होता है वैसा श्याम, दैट इज द क्लोजेस्ट कंपैरिजन, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट कलर। इस मामले में श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा जोक है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार नैरोबी गए थे केनिया, तो केनिया में प्रचार कर रहे थे ब्रह्मानंद स्वामी, और प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी ने वहां पर सारे नीग्रो ब्लैक लोगों को देखा और प्रभुपाद जी ने कहा कि ओ इवन कृष्णा इज ब्लैक, कृष्ण भी काले हैं। तो सब एकदम खुश हो गए, अरे कृष्ण भी काले हैं। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोले, बट नॉट ब्लैक लाइक यू, आपके जैसे काले नहीं है। तो भगवान निश्चित रूप से काले हैं, लेकिन आपके जैसे काले नहीं। तो कहने का तात्पर्य है शाखा चंद्र न्याय, तो स्निग्ध प्रवृत घन श्याम, घनघोर चमकीले रेनी वर्षा ऋतु के बादल के समान भगवान के रंग की उपमा दी गई है। और यूजुअली काले रंग को, अरे गोरा है तो, लेकिन काला, लेकिन भगवान का रूप कैसा है? शिव जी कहते हैं सर्व सौंदर्य संग्रह, ऐसे लगता है सारी सुंदरता एक साथ आ गई और भगवान के यहां बैठ गई। या उल्टा कहा जाए तो सुंदरता और अधिक सुंदर हो जाती है क्योंकि वो भगवान के शरीर के ऊपर आ गई। भगवान का शरीर सुंदर नहीं है, सुंदरता सुंदर हो जाती है क्योंकि वो भगवान के शरीर के ऊपर आकर के बैठ गई। सो दिस इज सर्व सौंदर्य संग्रह, एज इफ कोई ब्यूटी बची ही नहीं है। सर्व सौंदर्य संग्रहम चारवायत, चारु आयत, आयत याने शरीर का गठन, और उसकी नाक, उसकी भौहें, उसके कान, उसके होंठ, उसके दांत, उसकी भुजाएं, उसकी कमर, गठन होता है एक शरीर का। सो चारु आयातम, चारु यानी ब्यूटीफुल, चारु आयातम भगवान के हरेक रंग का, हरेक अंग का जो ढंग है, जिस प्रकार से बना हुआ है, हमने देखा है बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्मी गाने बने हैं, जब हीरो कहता है हीरोइन से कि आपको बहुत ज्यादा तराश करके बनाया है ब्रह्मा जी ने, ये वो एक्चुअली भगवान के शरीर का गठन अत्यंत सुंदर है। चारु आयातम चतुर्बाहु, भगवान शिव विष्णु मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, चतुर्बाहु। सुजात, सुजात रुचिर आननम,
सुजात मीन्स इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल रुचिर वेरी प्लीजिंग आनन फेस. वेरी ब्यूटिफुल एंड प्लीजिंग फेस. फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. हर एक व्यक्ति क्या सोचता है अपने हृदय में ये उसके चेहरे पर अनायास ही दिख जाता है. तो भगवान क्योंकि तटस्थ है, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापिया. तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान किसी से विशेष प्रेम नहीं करते, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनसे भगवान बहुत विशेष लगाव रखते हैं. और भगवान कहते हैं, यह मैं गर्व से कहता हूं, अपने भक्तों के साथ मैं हमेशा पक्षपात करता हूं. ये आप मुझसे ले लो, आप मुझसे लिख के ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोलता, जिसको लगे जो लगे, मेरे भक्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा. इनफैक्ट भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर जो मेरे भक्त मेरे प्रति जो आकर्षण प्राप्त करते हैं, वाई आर माई डिवोटीज अट्रैक्टेड टू मी, मेरे भक्त मेरे प्रति क्यों आकर्षित हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की सेवा करता हूं. ये भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में. Because I am the servant of my devotee's lotus feet, that is why I am God. ये है भगवान का भक्तवात्सल्य. जो संपूर्ण इंद्रिय, संपूर्ण चर अचर जगत, संपूर्ण अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सभी कुछ सृष्टि स्थिति प्रलय जहां से आता है, वो कह रहे हैं मैं अपने भक्तों का ऑर्डर कैरियर हूं. साधुनाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम तो अहम, तेषां मदन्य न जानाति नाहम तेषु मनागति. क्योंकि मेरे भक्तों ने अपने आप को मुझे बेच दिया है, अपने आप को मुझे अपने भक्तों ने बेच दिया है. दे आर ओनली एंडेवरिंग फॉर मी, इसीलिए मैंने भी अपने आप को उन भक्तों के हवाले कर दिया. आप मेरा जो चाहिए करो. आई एम अ सोल्ड आउट प्रॉपर्टी ऑफ माई डिवोटीज. जहां मेरे भक्त मुझे बेचेंगे मैं वहां बिक जाऊंगा. कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बली धाई तव पाछे पाछे. ये भक्त की महिमा है. और ऐसे भक्त को भगवान का ये सुंदर रुचिर आननम, सुजात रुचिर, सुजात अल्टीमेटली ब्यूटिफुल, रुचिर वेरी प्लीजिंग फेस, भगवान का मुख सौंदर्य. तो हमने देखा कि चारु आयातम, भगवान का मुख सुंदर है, भगवान के शरीर की गठन सुंदर है. कैसे है ये शिवजी बताते हैं. पद्म कोश पलाश अक्षम, सो कमल की पंखुड़ियों के समान अक्षया आंखें हैं. सुंदर अभ्रू, सुंदर भ्रू, भ्रू यानी भ्रुकुटी, आईब्रोज. भगवान की आंखें सुंदर हैं, भगवान की भौहें सुंदर हैं. हम देखते हैं जब भी हम फेशियल ब्यूटी की बात करते हैं, टू ऑर्गन्स स्टैंड वेरी वेरी प्रोमिनेंटली. वन इज आईज एंड द सेकेंड इज स्माइल. एक व्यक्ति की आंखें और एक व्यक्ति के हास्य या स्मित हास्य. और अगर हम देखेंगे मैक्सिमम भी कवियों ने जो श्रृंगार रस का आस्वादन किया है वो किसी महिला के आंखों की सुंदरता या उसके स्मित हास्य की सुंदरता पर ही है.
हार्डली आप देखेंगे कोई व्यक्ति कह रहा है अरे तुम्हारे कान कितने सुंदर हैं, ऐसा कोई कवि कह रहा होगा नहीं। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट्स इन फेशियल ब्यूटी आर आईज एंड स्माइल। सो पद्म कोश पलाश अक्षम सुंदर भ्रू, भगवान की भ्रुकुटियां बहुत सुंदर हैं। और सुनासिकम, भगवान की नासिका भी एकदम तटस्थ अच्छे से सुंदर सीधी आते हुए पॉइंटेड नोज। यस सुद्विजम, द्विजम याने दांत, तो भगवान के दांत अत्यंत सुंदर हैं। सुकपोलस्य, भगवान का कपाल भी अत्यंत सुंदर है। और समकर्ण विभूषणम, उसी प्रकार से उनके कान भी, तो प्रैक्टिकली सब कुछ वर्णन कर दिया। आंखें भ्रुकुटियां नाक दांत कपाल और कान, ये छोड़ करके फेस में रहा ही क्या है। तो सुजात रुचिर आननम का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं भगवान शिव कि एवरीथिंग इज एग्जैक्टली मेजर्ड एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली फिट्स वेयर एवर इट हैज टू फिट जस्ट परफेक्टली। दैट इज द ब्यूटी एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से वर्णन देते हैं कि इस प्रकार के भगवान के रूप की सेवा ये बहुत ही इन वन सेंस बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। पहले हम क्या करते हैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं हमें भक्ति में पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि ये दोनों मार्गों से परिचित कराया जाता है। पंचरात्रिक विधि इज द विधि ऑफ डीटी वर्शिप, जहां पर हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। और भागवत विधि, भागवत विधि अर्थात नाम जप, भागवत पढ़ना, भागवत श्रवण करना, ये सारी चीजें। भागवत विधि में भगवान के पंचरात्रिक विधि इज फॉर द बिगिनर्स हु वांट टू कम क्लोज टू कृष्णा इवन दो द माइंड इज नॉट वेरी प्यूरिफाइड। भागवत विधि इज फॉर एलिवेटेड पीपल हुज माइंड इज मोर प्यूरिफाइड। श्रील चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा है कि उन्होंने आकर के हमें भागवत विधि का बहुत विस्तृत प्रचार किया। सो इनिशियली इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड पंचरात्रिक विधि, भगवान के विग्रहों के स्पर्श में संपर्क में आइए, उनकी सेवा कीजिए, धीरे 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 अपने मन इंद्रियों को शिथिल करके बाद में नाम जप ये सब। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा डायरेक्ट हरिनाम भागवत विधि। सो ये जो नाम जप की विधि है, भागवत विधि है, ये हमें भगवान कृष्ण के साथ में जो पांच प्रमुख रस हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से भी ऊपरी वात्सल्य और माधुर्य रस में लेकर के जाती है। भागवत विधि हैज द पोटेंसी जस्ट ना साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धाए सेवन। सो यहां पर साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण इसको ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है भागवत विधि में। मथुरा वास और श्रीमूर्ति श्रद्धाए सेवन निश्चित रूप से है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा भार नाम जप को। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु तुरंत अगले श्लोक में कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन।
सो इसलिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी जब दीक्षा की विधि की बात आती है तो द एसेंशियल पॉलिसी क्या ये प्रॉमिस ले रहे हैं गुरु, चैंटिंग मिनिमम 16 राउंड्स। ये प्रॉमिस नहीं है कि मैं रोज भगवान के विग्रहों की सेवा करूंगा, एकादशी को अभिषेक करूंगा ही करूंगा, हर संडे संडे ड्रेस चेंज करूंगा ही करूंगा, रोज 3 बार भोग लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ये कोई प्रॉमिस नहीं है या ये कोई प्रॉमिस ली नहीं जाती। लेकिन रोज 16 माला करूंगा और 4 नियम का पालन करूंगा, ये प्रॉमिस पक्का ली जाती है। Why? We are directly following the orders of Lord Chaitanya. Taramadhya Sarvashrestha Nama Sankirtan. So we are directly Lord Chaitanya's followers. Lord Chaitanya has come to deliver the fallen conditioned souls of Kali Yuga. इसीलिए हालांकि साधका gradually matures from Pancharatriki to Bhagavat Vidhi with progressive stabilization and purification of mind and senses, still because of Lord Chaitanya's mercy, this Bhagavat Vidhi is freely distributed to anyone and everyone, even in Kali Yuga. तो भागवत विधि हमें कहां लेकर के जाएगी, वात्सल्य और माधुर्य रसों में लेकर के जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जीवन का आधार षड गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए ग्रंथ है और श्रील प्रभुपाद जी द्वारा उसे समसामयिक रूप से किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रचार का आधार है। षड गोस्वामियों ने भी जो ग्रंथ लिख करके छोड़े, अगर हम वो ऐसे के ऐसे ही पढ़ेंगे हम उसे पचा ही नहीं पाएंगे, इनडाइजेशन हो जाएगा। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने उसको बॉइल डाउन करके जितना चाहिए जैसे चाहिए उसे समरी रूप में ला करके रखा है, तो कड़वी खुट्टी भी जब मोतीचूर के लड्डू के अंदर डाल करके दी जाती है तो बच्चा कैसे तो खा लेता है। तो प्रभुपाद जी द्वारा षड गोस्वामियों के ग्रंथों का जो निरूपण है वो ऐसा है जैसे हमें दवाई की गुली का तो पिलाई जा रही है, चटाई भी जा रही है, लेकिन उसका स्वाद हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो असर कर रही है। श्लोक क्रमांक 47 और 48। प्रीति प्रहसिता पांगम अलकैरूपशोभितम लसत पंकज किंजलक दुकुलम मृष्टकुंडलम स्फुरत किरीट वलया हार नूपुरमेखलम शंख चक्र गदा पद्म माला मण्युत्तमधितम। The Lord is super excellently beautiful on account of His open and merciful smile and His sidelong glance upon His devotees. His black hair is curly and His garments waving in the wind appear like flying saffron pollen from lotus flowers. His glittering earrings, shining helmet, bangles, garland, ankle belts, waist belt, various other bodily ornaments combine with conch shell, disc, club and lotus flower to increase the natural beauty of the Kaustubha pearl on his chest. Bhagavan kitne sundar hain. Yes. Preeti prahasit apangam. He is mercifully smiling. Apne bhaktaon ke upar aap dekhiye, आप किसी भी भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे,
उनका जो मुख है इट विल ऑलवेज बी स्माइलिंग. वेर एज यू सी लॉर्ड शिवाज मूर्ति, ब्रह्मा जीज मूर्ति, देवी मूर्तिज, दे वुड नेवर बी स्माइलिंग, दे आर ऑल सीरियस. आप शिवजी को पूरे दांत दिखाते हुए या बिना का स्माइल देते हुए कभी नहीं देखेंगे, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ये स्माइल दे रहे हैं. सो प्रीति प्रहसित, प्रहस प्र याने प्रत्यक्ष रूपेण या प्रकृष्ट रूपेण हसित, ही इज एक्चुअली स्माइलिंग एंड स्माइलिंग वेरी लविंगली. प्रीति प्रहसित अपांग अलकई अपांगम साइड लॉन्ग ग्लांसेस, नजरों के कटाक्ष से राधिकादि गणे हेरी नयनेर कोणे तृप्त है खाए कृष्ण यशोदा भवने. सो राधिकादि गणे, राधिका आदि गण हेरी, हेरी यानी देखना, कैसे देख रहे हैं भगवान कृष्ण, नयनेर कोणे with side long glances. और तृप्त है खाए यशोदा भवन, यशोदा के भवन में तृप्त होकर के भगवान दोपहर का भोजन करें. तो अपांगम अलकई रूप शोभितम, उनके घुंघराले बालों की वजह से जो नीचे आ रहे हैं ऐसे, तो घुंघराले बालों की वजह से उनका जो मुख है वो अत्यंत ज्यादा शोभायमान हो रहा है. लसत पंकज किंजल दुकुलम, सो लसत मीन्स लिसनिंग, ग्लिसनिंग, चमकते हुए पंकज यानी कमल, किंजल सैफरन, दुकुलम यानी वस्त्र, तो लाइक ग्लिसनिंग सैफरन ही इज वियरिंग क्लोथ्स. मृष्ट कुंडल, उनके कुंडल भी शाइन कर रहे हैं. मृष्ट मीन्स अगेन ग्लिसनिंग, सो लसत मीन्स ऑल्सो ग्लिसनिंग, मृष्ट ऑल्सो मीन्स ग्लिसनिंग. कुंडल स्पृहत किरीट, स्पृहत also means glistening, kirit crown, to unke hairs, unke kundal, unka crown, sab kuch ekdam glistening, chamakta hai. Valaya har, valaya means bangles, haatho mein unhone kangan pehne hue hain, kade pehne hue hain, aur हार है नुपुर, नुपुर यानी पेंजन, सो नुपुर है, गले में हार है, और मेखला, मेखला यानी कमरबंद, कमर में पट्टा डाला हुआ है, और चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं. उनके गले में कमलों की सुंदर माला है, पद्म माला और मणि, गले में मणियों की माला है और कमलों की भी माला है, और उस मणियों की माला में कौस्तुभ मणि अत्यंत ज्यादा चमक रहा है. तो भगवान सुंदर रूप से हंस रहे हैं, नयन के कोणे, नयन के कोण से सभी को दर्शन दे रहे हैं. उनके घुंघराले बाल, उनके उनके मुकुट, ये सब चमक रहा है, चमकते हुए सैफरन के जैसे उन्होंने वस्त्र परिधान किए हुए हैं. गले में हार है, गले में मणि और कमल के फूल दोनों का हार है, और उस मणियों के हार में कौस्तुभ मणि अत्यंत सुंदर चमक रहा है. श्लोक क्रमांक 49, सिंह स्कंधत्विशो बिभ्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम श्रियान पायिन्याक्षिप्त
निकक्ष्याश्म प्रलोसत क्षिप्त निकषाश्म रसोल्लसत. द लॉर्ड हैज शोल्डर्स लाइक अ लायन. तो राजा है शेर, तो शेर के समान भगवान के कंधे हैं. और बिभ्रत सौभग ग्रीव, अत्यंत सुंदर उनका गला है और गले में उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण किया हुआ है. तो भगवान के कंधे अत्यंत मजबूत हैं, सुंदर गला है और गले में उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण किया हुआ है. On the dark chest of the Lord, there are streaks named as Shrivatsa. भगवान की छाती पर, क्योंकि भगवान का श्याम वर्ण है, तो उनकी छाती पर there are streaks called Shrivatsa. तो भगवान के लेफ्ट छाती पर व्हाइट या ग्रे हेयर्स का एक कर्ल है, जिसे श्रीवत्स चिन्ह कहा गया है. वहां पर लक्ष्मी जी निवास करती है. तो भगवान के श्याम वर्ण के शरीर पर ग्रे या व्हाइटिश कर्ली एक चिन्ह है जहां लक्ष्मी देवी निवास करती है. The glittering of these streaks excels the beauty of golden streaks on golden testing stone. So, भगवान के शरीर पर ये सुंदर श्रीवत्स चिन्ह अत्यंत शोभायमान दिखता है. श्लोक क्रमांक 50. पूररेचक संविघ्न वल्गी वल्गुदलोदरम प्रति संक्राम यद विश्वम नाभ्यावर्त गभीरया. The Lord's abdomen is beautiful due to the three ripples in the flesh. Being so round, his abdomen resembles the leaf of a banyan tree. And when he exhales and inhales, the movement of the ripples appears very, very beautiful. The coils within the navel of the Lord are so deep that it appears that the entire universe sprouted out of it again and again. And it again wishes to go back. So, pura arthat shwas andar lena. Rechaka shwas bahar chhodna. So, pura rechaka samvigna vali. So, hum jab saas lete hain aur chhodte hain, to pet hilta hai na? Actually hilna chahiye. सही श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया क्या है? जहां पर पेट हिले, छाती नहीं. यूजुअली हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या होता है? सब सांस अंदर लीजिए. अरे सांस यहां की बजाय एक्चुअली वो इट शुड बी एब्डोमिनल ब्रीदिंग. सो सांस अंदर लीजिए, पेट बाहर आना चाहिए. सांस बाहर छोड़िए, पेट अंदर जाना चाहिए. छाती का उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. हम देखते हैं जब एक छोटा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, वो छाती नहीं फुलाता ऐसे, वो रोता है, नॉर्मली भी रहता है तो भी उसका पेट हिलता है. छाती से उसके ब्रीदिंग का कोई सरोकार ही नहीं है. व्यक्ति एक्चुअली एक्चुअल ब्रीदिंग इज थ्रू एब्डोमेन. पेट बाहर आना चाहिए जब सांस अंदर लेंगे, और पेट अंदर जाना चाहिए जब सांस छोड़ेंगे. इसका छाती से कोई संबंध हिलने का, छाती में हवा जा रही है वो अलग, लेकिन हिलना चाहिए पेट. सो पुर रेचक संविघ्न वल्गी वल्गी गुदल और वल्गु दल उदरम.
सो भगवान जब श्वासोच्छ्वास करते हैं तो उनके पेट पे तीन लाइंस हैं, वो हिलती हैं और वो बहुत सुंदर लगता है। प्रति संक्रामयद विश्वम नाभ्या वर्तक अभिरया, भगवान की नाभि इतनी डीप है। हम देखते हैं हम जब ये बढ़ने लगता है आगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे पेट आगे आने लगता है। मेरा तो बहुत आ गया है, पेट आता है तो बाद में नाभि इतनी अंदर चली जाती है कि दिखती ही नहीं है। पेट बाहर आ जाता है, नाभि पता नहीं, अंदर 1 किलोमीटर जाएंगे तो भी नाभि नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान की नाभि इतनी डीप है, भगवान की नाभि डीप है। हमारे तो नाभि तक पहुंचने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा, भगवान की नाभि चक्रावक इतनी डीप है, ऐसा लगता है संपूर्ण विश्व उसके अंदर जाने के लिए आतुर हो रहा है। भगवान की नाभि भी सुंदर है। श्लोक क्रमांक 51, श्याम श्रोण्यधीरो चिष्णु दुकुल स्वर्ण मेखलम समचरवांगं चरवांग्रि जगोरु निम्न जासुनु दर्शनम। The lower part of the Lord's waist is dark and covered with yellow garments and a belt bedecked with golden embroidery. तो भगवान कमर के नीचे क्या पहनते हैं? पीतांबर पहनते हैं और उन्होंने अपने कमर पर एक कमर पट्टा डाला हुआ है जो सोने का है और सोने के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है। His symmetrical lotus feet and the calves, thighs, joints of his legs are extraordinarily beautiful. Calves याने जो घुटने के नीचे की जो हड्डी होती है उसकी पिछला हिस्सा, that is what is calves. So calves, thighs, जंघाएं और joints of his legs, घुटने और पैर के नीचे के जॉइंट्स सभी। सो काम्स थाइज एंड ऑल द जॉइंट्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। निम्न जानु सुदर्शनम, ऐसा लगता है भगवान के एक एक अंग को तराश करके बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली ये बना नहीं है, ये अपने आप स्वयंभू। भगवान कैसे हैं? स्वयंभू। स्वयंभू भी एक्चुअली पूरी तरह से सही व्याख्या नहीं हुई, क्योंकि स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट। सो प्रकटीकरण यानी सामने आना, भगवान सामने नहीं आते। सो इन वन सेंस स्वयंभू इज ऑल्सो नॉट द परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड। श्लोक क्रमांक 52, पदाशरत पद्म पलाश रुचि श्याम नखद्युभिर्नोन्तरघं विधुन्वतां प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं गुरु मार्ग गुरुस्तमो जुषां। माय डियर लॉर्ड, योर टू लोटस फीट आर सो ब्यूटिफुल दैट दे अपीयर लाइक टू ब्लॉसमिंग पेटल्स ऑन द लोटस फ्लावर विच ग्रोज ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। Indeed, the nails of your lotus feet emanate such great effulgence that they immediately dissipate all the darkness in the heart of conditioned soul. My dear Lord, kindly show me that form of yours which always dissipates all kinds of darkness in the heart of a devotee. My dear Lord, you are the supreme spiritual master of everyone. Therefore, all conditioned souls covered with the darkness of ignorance can be enlightened by you as the spiritual master. So, Shivji कह रहे हैं कि आपके जो पैर हैं वो कैसे लगते हैं? जैसे कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं,
ऐसे आपके पैर दिखते हैं। निश्चित रूप से आपके पैरों के नखों के कोने से इतनी आभा, इतनी चमक, इतनी कांति आ रही है, ऐसा लगता है जैसे केवल उसका दर्शन करके एक भौतिक जगत में त्रस्त जीव अपने सारे कल्मशों को भूल करके आपके पास आ जाएगा। उनसे आने वाली आभा एक बद्ध जीव के हृदय में प्रवेश करके उसके भौतिक माया रूपी अंधकारमय कवरिंग को, वलय को भेद करके उसे पूरी तरह से जीवन मुक्त कर देगी। दैट इज योर ब्यूटी। कृष्णा इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, जैसे लव एट फर्स्ट साइट। यस, हम देखते हैं व्यक्ति एक दूसरे के पीछे पागल हो जाते हैं, तो ये पागल होने की प्रक्रिया क्या है एक्चुअली? एक्चुअली ये लव एट फर्स्ट साइट भगवान के प्रति। भगवान इतने सुंदर हैं कि वन कांट हेल्प बट फॉल इन लव विथ हिम, वन कैन नॉट हेल्प। व्यक्ति अलग से रह ही नहीं पाएगा, भगवान इतने सुंदर हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे उस प्रकार की साधना, उस प्रकार की सेवा चाहिए जिससे एक जीव वहां तक पहुंच सके, तब वो भगवान की सुंदरता का दर्शन कर पाएगा। इसीलिए यहां शिवजी प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपया हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे हम सभी बद्ध जीव इस भौतिक, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव, देखिए कि बद्ध जीव इस सुंदर दर्शन का लाभ लेकर के आपके चरण कमलों के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ रूप से आकर्षित हो सके। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में भी, जैसे ब्रह्म संहिता शुरू होती है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सो हूज कृष्णा इज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद में एक श्लोक में वो कहां रहते हैं, उनका एड्रेस इज इंट्रोड्यूस्ड। यस, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षागृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। दिस वेयर ही स्टेज एड्रेस। इसके बाद के चार श्लोक, वेणुं क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं बरहावतं समसिताम्बुद सुन्दरांगं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केली कला विलासं श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युत अनादि अनंत रूपं आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं अदुर्लभं आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सो इन चार श्लोकों में भगवान के रूप की महिमा, उसके आकर्षण के प्रति वर्णन है। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, हूज कृष्णा, ईश्वर परमा कृष्ण, वेर डज ही लिव, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष वैकुंठ जहां का वर्णन आता है। उसके बाद में ये जो चार श्लोक हैं, दे आर ऑल ब्यूटी ऑफ कृष्णा, इट्स पर्सनल ब्यूटी। यस, सो दिस इज होमवर्क। सो अगर हम ब्रह्म संहिता के श्लोक क्रमांक 3, 4, 5 और 6
या फिर टेक्निकली देखा जाए तो श्लोक क्रमांक 30, 31, 32, 33 ये चार श्लोक और उनके अर्थ को ध्यान से पढ़िए, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। और इस भाग में शिवजी आखिरी में ये श्लोक कहते हैं, एतद्रूपम अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभिप्सितम् यद् भक्तियोगो अभयदः स्वधर्म अनुतिष्ठताम्। सो एतद्रूपम अनुध्येयम्, इस रूप का अनुध्यान, अनु अर्थात टू फॉलो, ध्येयम् अर्थात ध्यान करना। So just follow what I have told you, accept that form as it is and do remembrance of this form. Etad rupam anudhyayam. Ki kaun, kisne aisa karna chahiye? Atma shuddhim abhipsitam. Jo koi bhi atma shuddhi chahte hain, unhone is roop ke upar apne dhyan ko kendrit karna chahiye. Yad bhakti yogo abhayadah. ये रूप कैसे दिखेगा? भक्ति योगो अभयदः, ये रूप केवल मेरे भक्तों को ही दिख सकता है, हर किसी को ये रूप नहीं दिखेगा। और ये रूप क्या करेगा? व्यक्ति को इस भौतिक संसार से अभय प्रदान करेगा। यद भक्ति योगो अभयदः स्वधर्म अनुतिष्ठताम्, और व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों में लग करके ऐसे रूप का ध्यान कर सकता है। Yes. So we see Shivji is so practical. He describes Lord's form and he says that we should please take this form as it is and concentrate on this form, जो मैंने अभी आपको बताया है। और जो भी अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, इस form के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और भक्ति योग से भगवान की सेवा और स्मरण कीजिए। सो दिस एंड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म बाय लॉर्ड शिवा। हम कल फिर से मिलेंगे जहां भगवान भक्ति की महिमा को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।